अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव ढाका में समाप्त हुआ। बांग्लादेश के 13वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का समापन एक पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ, जिसमें 11 पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय खंड में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार डच फिल्म रोमिज सैलोन को दिया गया, जो मिस्सा काम्प द्वारा निर्देशित थी। फिनिश निर्देशक मिर्जा मेजनन को उसकी फिल्म में गुड गर्ल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। कैटरीना रिविलेस द्वारा निर्देशित जर्मन फिल्म डे एक्स ने सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार जीता। बांग्लादेशी निर्देशक रागीब महमूद सफेद शाह को उनकी फिल्म द स्मोकर के लिए यंग टैलेंट अवार्ड मिला, जबकि सुदीप्तो शाह को उनकी फिल्म खोखा जोखन छुपते छीलन के लिए सोशल फिल्म अवार्ड मिला। 24 जनवरी को शुरू हुए चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल के दौरान 39 देशों की कुल 189 फिल्मों को ढाका में 5 संस्थानों पर प्रदर्शित किया गया। मालदीव राष्ट्रीय मंडल में फिर से शामिल हो गए। मालदीव एक बार फिर से राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बन गया है। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने अपनी प्रमुख राष्ट्रपति प्रतिज्ञाओं में से एक को पूरा करते हुए घोषणा की। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रमंडल महासचिव पेट्रिसिया स्कॉटलैंड ने मालदीव के संगठन के 94वें सदस्य राज्य के रूप में बहाली की पुष्टि की है। मालदीव पहली बार 1982 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने 1 अक्टूबर 2016 में इसे छोड़ने का फैसला किया, जिसमें भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के बिगड़ते दबाव के बीच समूह से बढ़ता दबाव था। विश्व आर्द्र भूमि वेटलैंड्स दिवस 2 फरवरी। विश्व वेटलैंड दिवस प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में वेटलैंड्स के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर की वर्षगांठ का प्रतीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। टिड्डियों के आक्रमण से पाकिस्तान ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। पाकिस्तान जो दशकों में अपने सबसे बुरे टिड्डी के हमले का सामना कर रहा है, ने किसान कृषि उत्पादन के लिए देश में मुख्य क्षेत्र पंजाब प्रांत के बड़े पैमाने पर फसल को नष्ट करने वाले कीड़ों से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा बुलाई गई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि संघीय मंत्रियों और 4 प्रांतों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में राष्ट्रीय कार्य योजना NAP को भी मंजूरी दी गई, जिसे संकट से उबरने के लिए 7.3 बिलियन की राशि की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे फसल क्षति के आधार पर तत्काल उपाय करें। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। यह कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर कैंसर मौत का दूसरा मुख्य कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि 2040 तक निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रोकथाम और देखभाल में निवेश की कमी के कारण कैंसर के मामलों में 81% की वृद्धि होगी। सोमालिया ने अफ्रीकी टिड्डे के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। सोमालिया ने दुनिया के सबसे गरीब और सबसे कमजोर क्षेत्रों में से एक में खाद्य आपूर्ति को नष्ट करने वाले कीटों के रूप में अफ्रीका के हॉर्न में फैलाने वाले टिड्डे के संक्रमण के बाद एक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषित किया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि लोगों और उनके पशुधन के लिए खाद्य स्रोत खतरे में है। विशेषज्ञों का कहना है कि टिड्डे के झुंड चरम मौसम का परिणाम है। सोमालिया ऐसी घोषणा करने वाला क्षेत्र का पहला देश बना जिसका उद्देश्य भूखे कीड़ों से निपटने में राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देना है। UAE ने 80 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस युक्त नया प्राकृतिक गैस क्षेत्र खोजा। संयुक्त अरब अमीरात ने अबू धाबी और दुबई के अमीरात के सीमा पार क्षेत्र में 80 ट्रिलियन मानक क्यूबिक फीट गैस वाले एक नया प्राकृतिक गैस क्षेत्र की खोज की घोषणा की है। जेबेल अली गैस क्षेत्र की खोज राष्ट्र के लिए गैस आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में योगदान देगी और आने वाले 50 वर्षों के लिए देश की रणनीतिक विकास योजना के रूप में अपनी प्रमुख विकास परियोजनाओं के अगले चरण का समर्थन करेगी। यह नया गैस क्षेत्र दो अमीरात के सीमा पार क्षेत्र में 5000 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र
में फैला हुआ है, जो संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस खोजने में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। यह खोज दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार वाले देश के बीच संयुक्त अरब अमीरात की स्थिति को मजबूत करती है। यह खोज आने वाले समय में गैस के शुद्ध आयातक से खाड़ी देशों को स्थानांतरित करने में यूएई की मदद मिलेगी। श्रीलंका ने अपने 72वें स्वतंत्रता दिवस मनाया। श्रीलंका ने 4 फरवरी को अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दिन ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। मुख्य समारोह में राष्ट्रगान केवल सिंहल में गाया गया था और तमिल में नहीं, जैसे कि 2016 के बाद से परंपरा है। तमिल राजनीतिक दलों ने राष्ट्रगान के दोनों संस्करण को रखने की मांग की थी। गत नवंबर में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद गोटबाया का यह पहला स्वतंत्र दिवस भाषण था। मैत्री और बंधन एक्सप्रेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ी। बांग्लादेश और भारत को जोड़ने वाली मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। एक प्रेस विज्ञप्ति में बांग्लादेश में भारत के उच्च आयोग ने कहा कि ढाका और कोलकाता के बीच चलने वाली मैत्री एक्सप्रेस अब सप्ताह में 5 दिन चलेगी। पहले यह सप्ताह में 4 दिन चलती थी। कोलकाता और खुलना के बीच चलने वाली बंधन एक्सप्रेस अब सप्ताह में 2 बार चलेगी। पहले यह सप्ताह में 1 बार चलती थी। पहली बार नेपाल अपनी जनगणना में LGBT की जनसंख्या की गिनती करेगा। नेपाल अपनी आगामी राष्ट्रीय जनगणना पहली बार हिमालय राष्ट्र में LGBT आबादी की गणना करेगा, ताकि अल्पसंख्यक समूहों के लिए सरकारी नौकरियों में शिक्षा और बेहतर ढंग से आवंटित किया जा सके। नेपाल में LGBT समुदाय ने लंबे समय से मांग की है कि हर 10 साल में होने वाले जनगणना में यौन अल्पसंख्यकों की गिनती शामिल की जाए। LGBT की सटीक आबादी यह निर्धारित करने में मदद करेगी कि इन नौकरियों और शिक्षा में कोटा का कितना हिस्सा उनके पास जाएगा। नागरिक स्वयं को पुरुष, महिला एवं और अन्य लिंग के रूप में पहचान सकेंगे। 2015 में अपनाए गए एक नए संविधान में यौन अभिनिवेश पर आधारित सभी भेदभावों को रोकने के लिए 2008 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को की पुष्टि की गई है। अमेरिकी सेना ने अलकायदा नेता कासिम अल रिमी को मार डाला। संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि यमन में एक प्रमुख इनकाउंटर आतंकवादी ऑपरेशन में अमेरिकी बलों ने अलकायदा के नेता कासिम अल रिमी को मार दिया है। वह अरब प्रायद्वीप द्वीप में अलकायदा AQAP का संस्थापक था। AQAP को लंबे समय से अमेरिकी मुख्य भूमि पर हमलों का अंजाम देने के प्रयासों के लिए अलकायदा का सबसे खतरनाक शाखा माना जाता था। हाल के महीनों में अमेरिका द्वारा ट्रंप प्रशासन के तहत यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है। अक्टूबर में अमेरिकी ने IS नेता अबू बकर अल बगदादी को मार डाला। जनवरी में इसने ईरान के शीर्ष जनरल कासिम को सुलेमानी को मार डाला। प्रिंस चार्ल्स ने भारत के लिए बच्चों के संरक्षण कोष का खुलासा किया। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के हिस्से के रूप में भारत के लिए एक नए बच्चों के संरक्षण कोष का अनावरण किया है, जो 2007 में उनके द्वारा दक्षिण एशिया में गरीबी से लड़ने के लिए स्थापित किया गया था। लोकप्रिय अमेरिकी गायक कैटी पेरी नए फंड की राजदूत होगी, जो 10 वर्ष में भारत में बच्चों के शोषण को 50% तक कम करने का पर ध्यान केंद्रित करेंगी। भारतीय परोपकारी नेताशा पूनावाला ने फंड के समर्थन में एक मल्टीमिलियन पाउंड की राशि दी है। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के बाल संरक्षण कोष का मुख्य क्षेत्र बाल यौन शोषण, बाल श्रम और तस्करी को कवर करेगी, और इसका उद्देश्य बच्चों के अनुकूल गांव के मॉडल के माध्यम से स्कूल सुरक्षा जाल विकसित करना होगा। नेपाल ने भारत के साथ अपनी सबसे बड़ी जल द्वितीय परियोजना का वित्तीय समापन किया। भारत और नेपाल ने
नेपाल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना अरुण 3 जिसे भारत की सहायता से बनाया जा रहा है का वित्तीय समापन किया। भारत ने नेपाल के शंखुवा सभा जिले में बनाई जा रही 900 मेगावाट की मेघा जल विद्युत परियोजना के लिए NPR 100 बिलियन की निवेश का वादा किया है। परियोजना में हिमालय राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का रिकॉर्ड बनाया है। 2 नेपाली बैंकों और 5 भारतीय बैंकों ने मेगा पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए ऋण देने के लिए प्रतिबद्ध किया। 5 साल के भीतर पूरी होने वाली परियोजनाओं की अनुमानित लागत 1.04 अमेरिकी डॉलर है जो 1 साल में 4,018.87 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेगी। विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के भागीदारी के बढ़ावा देने के लिए हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में 30% से कम शोधकर्ताएँ महिलाएँ हैं। दिन का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के लिए विज्ञान में भागीदारी के लिए पूर्ण और समान पहुंच को बढ़ावा देना है। अदिस अबाबा में अफ्रीकी संघ का शिखर सम्मेलन हुआ। इथोपिया के अदिस अबाबा में 33वां अफ्रीकी संघ AU शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन का विषय था साइलेंसिंग द गन्स क्रिएटिंग कंड्यूसिव कंडीशन फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट। शिखर सम्मेलन ने गरीबी उन्मूलन जलवायु संगठन से निपटने और अफ्रीका में लड़ाई खत्म करने जैसी 3 चुनौतियों पर प्रकाश डाला। 2021 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दक्षिण अफ्रीका की जगह AU की कुर्सी लेगी। पॉइंट्स टू रिमेंबर। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय संघ है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित 55 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। मुख्यालय इसका अदिस अबाबा में इथोपिया में है। WHO ने कोरोना वायरस के कारण होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम COVID-19 दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कहना है कि नया कोरोना वायरस ने के कारण होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम COVID-19 है। यह वायरस से मरने वालों की संख्या 1,000 होने के बाद आया है। इसमें अभी तक 10,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। कोरोना वायरस शब्द वायरस के समूह को संदर्भित करता है। शोधकर्ता के किसी भी समूह या देश के भ्रम और कलंक से बचने के लिए आधिकारिक नाम से पुकार रहे हैं। तूफान सियारा के कारण यूरोप में कम 7 लोगों की जान गई है। आयरलैंड और UK में पहले व्यापक तूफान सियारा के पूर्व से चलने जाने से पूरे यूरोप में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। परिवहन शटडाउन और स्कूल को बेल्जियम जर्मनी लग्जमबर्ग और नीदरलैंड को में बंद करने के लिए मजबूर किया गया है। डच अधिकारियों ने देश भर में 720 किलोमीटर से अधिक के ट्रैफिक जाम की सूचना की है दी है। फ्रांस के भूमध्य सागरीय द्वीप कोर्सिका में 220 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की हवाएं दर्ज की गई है जिससे पूरी महाद्वीप में भारी बारिश शक्तिशाली हवाएं और बाढ़ आई है। उत्तरी इटली पोलैंड और स्वीडन में 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाएं की गति भी दर्ज की गई है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। जनता और रेडियो के महत्व के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए और निर्णय निर्माताओं को रेडियो के माध्यम से जानकारी तक पहुँच और प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस तिथि पर हर साल इस दिन में मनाया जाता है। रेडियो एक कम लागत वाला माध्यम है जो विशेष रूप से दूर दराज के समुदाय और कमज़ोर लोगों तक पहुंचने के लिए अनुकूल है। यह आपातकालीन संचार और आपदा राहत से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थीम रेडियो एंड डाइवर्सिटी है। डोनाल्ड ट्रंप मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे।
विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेटर स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा के दौरान उद्घाटन करेंगे। स्टेडियम की क्षमता 1.10 लाख लोगों की है। 2015 में पिछले 53,000 सीटर मोटेरा स्टेडियम को तोड़ने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्व का सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के रूप में बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ भारत आने वाले हैं। सिंगापुर के फर्म ने भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग को खरीदने के लिए बोली लगाई है। सिंगापुर स्थित अवसंरचना निवेश मंच क्यूब हाईवे ने भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जम्मू कश्मीर के 9.2 किलोमीटर लंबी चेनानी नासरी परियोजना 3,929 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए बोली लगाई है। IL&FS बोर्ड ने क्यूब को उच्चतम बोलीदाता घोषित किया है और ऋणदाताओं के ई वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से बिक्री के लिए आमंत्रित किया है। सुरंग परियोजनाओं पर लगभग 5,545.54 करोड़ रुपए का कर्ज है और परिसंपत्ति की बिक्री से कंपनी की समग्र ऋण स्थिति को नीचे लाने में मदद करेगी मिलेगा। क्यूब हाईवे आई स्क्वायर कैपिटल द्वारा संचालित एक मंच और अंतर्राष्ट्रीय वित्त क्रॉप है और ADIA द्वारा समर्थित है। यह भारत में 1700 किलोमीटर राजमार्गों का संचालन करता है। पॉइंट टू बी रिमेंबर, अक्टूबर 2019 में सरकार ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग रखा था। बांग्लादेश नेपाल के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। बांग्लादेश और नेपाल दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए हैं। बांग्लादेश नेपाल को नेपाल के नज़दीक नीलम फेरी जिले में स्थित सैदपुर हवाई अड्डे का उपयोग करने का अनुमति देने पर सहमत हो गया है। बांग्लादेश नेपाल को 38 मिलियन की वस्तुओं का निर्यात करता है और लगभग 18 मिलियन डॉलर का माल आयात करता है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नेपाल के विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई है कि भारतीय कंपनी GMR नेपाल में अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद नेपाल बांग्लादेश को 500 मेगावाट बिजली प्रदान कर सकेगी। अंत आतंकी वित्त पोषण पर नज़र रखने वाले समूह FATF ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में को जारी रखने का सिफारिश की। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण पहरेदार FATF के एक उपसमूह ने आतंकी फंडिंग की जांच में विफलता के लिए पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में जारी रहने की सिफारिश की है। यह निर्णय FATF के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समीक्षा समूह ICRG की बैठक में लिया गया था जो चल रही पेरिस प्लेनरी में आयोजित की गई थी। अंतिम निर्णय तब लिया जाएगा जब FATF पाकिस्तान के मुद्दों को उठाएगा। FATF की बैठक पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी अदालत द्वारा 2008 में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 2 आतंकी वित्तपोषण मामलों में 11 साल की सज़ा सुनाए जाने के एक सप्ताह के बाद हो रही है। FATF द्वारा जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, FATF का मुख्यालय पेरिस में है जो कि फ्रांस में है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका सदस्य देश 39 हैं। थैंक यू।